अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है बच्चों? ओके ग्रेट, सो लेट्स कंटिन्यू विद द डिस्कशन। कल हमने कंक्लूड किया था फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर, आई रिमेम्बर। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट थॉमस एंड किलमैन मॉडल ऑफ डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट। थॉमस एंड किलमैन ने कहा था दैट देर आर वेरियस वेज टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के, मैनेज करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं और डिफरेंट स्टाइल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। बेसिकली वी हैव टू डायमेंशन, हमारे पास दो डायमेंशन होती हैं और इन दो डायमेंशन के ऊपर हम पांच किस्म के स्टाइल्स यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डील विद अ कॉन्फ्लिक्ट। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा स्टाइल चूज करेंगे एंड हाउ दैट स्टाइल कैन इन्फ्लुएंस अ डिसीजन ऑफ डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट। हमारा जो स्टाइल है कॉन्फ्लिक्ट के साथ डील करने का, वो कैसे अफेक्ट होगा। सो वी हैव लाइक टू डायमेंशंस। इसको हम एक टू डायमेंशनल डायग्राम में देखते हैं। दिस टू डायमेंशनल डायग्राम में एक तरफ हम रखते हैं कोऑपरेटिवनेस। ऑन वन साइड वी हैव कोऑपरेटिवनेस, ऑन द अदर साइड वी हैव असर्टिवनेस। तो एक तरफ हमारे पास इसमें कोऑपरेटिवनेस है और एक तरफ इसमें हमारे पास असर्टिवनेस है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे होती है कोऑपरेटिवनेस। कोऑपरेटिवनेस इट कैन बी लो और इट कैन बी हाई। कोऑपरेटिवनेस कैन बी लो और इट कैन बी हाई। एंड ऑन द अदर साइड वी हैव असर्टिवनेस। अच्छा, कोऑपरेटिवनेस का मतलब ये होता है, यहाँ पे हमारे पास होती है असर्टिवनेस। असर्टिवनेस कैन बी लो और इट कैन बी हाई। ठीक है, और बेस्ड ऑन दीज टू डायमेंशंस हम पांच किस्म के स्टाइल्स डिटरमिन करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के। हियर वी पुट अवॉइडिंग। कोऑपरेटिवनेस का मतलब होता है किस हद तक आप कोऑपरेट करने को तैयार हैं, टू व्हाट एक्सटेंट यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और असर्टिवनेस का मतलब ये होता है कि किस हद तक आप अपनी बात मनवाने के लिए फोर्सफुल हो रहे हैं, किस हद तक आप पुश कर रहे हैं कि दूसरा आपकी बात मान जाए। अगर आप कोऑपरेट करने को भी तैयार नहीं हैं एंड यू डोंट इवन वांट योर पॉइंट टू बी फोर्स्ड ऑन अदर्स, तो इसको हम अवॉइडिंग कहते हैं, दैट इज नोन एज अवॉइडिंग। आप अवॉइड करते हैं, दिस स्टाइल इज नोन एज अवॉइडिंग। लो कोऑपरेटिवनेस एंड लो असर्टिवनेस। आप कोऑपरेट करने को तैयार हैं, असर्टिवनेस लो है लेकिन कोऑपरेटिवनेस हाई है, इसे कहते हैं अकोमोडेटिंग। यू विल सिंपली अकोमोडेट अदर्स, आप दूसरे को अकोमोडेट करेंगे, किसी की बात मान जाएंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कुर्बान कर देंगे अगेंस्ट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, से अकोमोडेट करना कहते हैं। यू आर नॉट विलिंग टू कोऑपरेट, यू वॉन्ट टू पुश योर पॉइंट ऑफ व्यू, इसे कहते हैं कम्पीटिंग। कम्पीट करेंगे आप कम्पीट करेंगे। ठीक है, कम्पीटिंग और अकोमोडेटिंग के दरमियान यहाँ पे हेयर वी हैव कॉम्प्रोमाइजिंग। कुछ अजर्ट करेंगे, कुछ कोऑपरेट करेंगे, कॉम्प्रोमाइजिंग आ जाती है, सेंटर में कॉम्प्रोमाइजिंग होती है। एंड हेयर वी हैव कलैबोरेटिंग, आप कलैबोरेट करेंगे।
हाई असर्टिवनेस हाई कोऑपरेटिवनेस। तो हम कोऑपरेटिवनेस और असर्टिवनेस की डायमेंशन पे हम इसके अंदर पांच किस्म के स्टाइल्स को प्लेस करते हैं। लो कोऑपरेटिवनेस, लो असर्टिवनेस, इसे कहते हैं अवॉइडिंग। हाई कोऑपरेटिवनेस बट लो असर्टिवनेस इज नोन एज अकोमोडेटिंग। हाई असर्टिवनेस बट लो कोऑपरेटिवनेस इज नोन एज कम्पीटिंग। बोथ हाई आर कोलैबोरेटिंग। सम असर्टिवनेस एंड सम कोऑपरेटिवनेस इज कॉम्प्रोमाइजिंग। अवॉइड जो होती है दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ लूज लूज सिचुएशन। बोथ पार्टीज आर लूजिंग, नो पार्टी इज गेनिंग एनीथिंग। आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर रहे हैं, यू आर अवॉइडिंग द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। एकोमोडेटिंग जो होती है इसके अंदर वी हैव विन लूज सिचुएशन। वन इज विनिंग, वन इज लूजिंग। एक जीत रहा है तो एक हार रहा है, विन लूज सिचुएशन आ जाती है। इसी तरह कंपीटिंग के अंदर भी विन लूज सिचुएशन होती है। कंपीटिंग के अंदर भी एक जीतता है और एक हारता है, तो विन लूज ही पाई जाती है। कोलैबोरेटिंग जो होती है ये विन विन होती है। कोलैबोरेटिंग इज विन विन। कोलैबोरेटिंग जो है दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ विन विन सिचुएशन। इसमें दोनों पार्टीज जो हैं वो जीत रही होती है। कॉम्प्रोमाइजिंग को हम कहते हैं पार्शियल विन विन। बोथ पार्टीज आर गेटिंग पार्शियल विन विन ऑफ द आउटकम। पार्शियल विन विन होती है। सो दीज आर फाइव वेज। अब ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा स्टाइल आप ऑप्ट करेंगे, अर्जेंसी ऑफ डिसीजन के ऊपर और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि विच स्टाइल विल बी यूज्ड बाय द इंडिविजुअल इन रिजॉल्विंग अ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। तो थॉमस एंकलमैन ने कहा था कि फाइव की स्टाइल्स हैं कॉन्फ्लिक्ट को डील करने की, एंड दीज स्टाइल्स वेरी इन डिग्री ऑफ असर्टिवनेस एंड कोऑपरेटिवनेस। आपकी बुक में डायग्राम नहीं बनी हुई, इस डायग्राम का आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। एक तरफ अवॉइडिंग है, एक एकोमोडेटिंग है, कम्पीटिंग है और कोलैबोरेटिंग है। ठीक। लेट्स स्टार्ट विद अवॉइडिंग। अच्छा, हर स्टाइल के अंदर वी मस्ट बी लुकिंग एट कि इसमें आउटकम क्या होगा, नंबर वन, और नंबर टू, किस सिचुएशन में, इन विच टाइप ऑफ सिचुएशन दिस स्टाइल विल बी मोर इफेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, अवॉइडिंग के अंदर ह्यूमन नेचर है दैट पीपल टेंड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। ये ह्यूमन नेचर है कि जहां तक मुमकिन हो हम कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजंस जो हैं वो आप खुद नहीं लेते, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू हर्ट एनीवनस फीलिंग्स। तो आप कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजंस को डेलीगेट कर देते हैं, किसी और को दे देते हैं। इसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल मिलती है आपके, आप कोई ख्वाहिश का इजहार करते हैं अपनी अम्मा से, लेट्स से आपको कोई चीज़ चाहिए, तो अम्मा आगे से आपको जवाब, बिकॉज शी डज नॉट वॉन्ट टू मेक अ डिसीजन, बिकॉज शी डज नॉट वॉन्ट टू हर्ट योर फीलिंग्स। तो आपकी जो वालदा है वो क्या जवाब देती है, बेटा अब्बा आएंगे तो उनसे पूछ लेना। नाउ व्हाट शी इज डूइंग इज शी इज डेलीगेटिंग अ कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन बिकॉज शी इज अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। तो देर आर सम सिचुएशंस जहां पे कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट आप अवॉइड कब करते हैं, जब विन विन पॉसिबल नहीं होता, व्हेन विन विन इज नॉट पॉसिबल। इशू इज ट्रिवियल, इशू आपके नजदीक बड़ा माइनर सा है, बड़ा ट्रिवियल सा है, या समवन एल्स इज इन अ बेटर पोजीशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, योर फादर, जो भी एग्जाम्पल दी, अम्मा को लगता है कि अब्बा जो हैं वो बेहतर मसले का हल निकाल सकते हैं, तो वो उनको डेलीगेट कर देंगे। हाउएवर, अवॉइडिंग इज एन इनइफेक्टिव एंड अ वीक अप्रोच टू यूज। अवॉइडिंग एक इनइफेक्टिव और एक वीक अप्रोच है, मस्ट नॉट बी यूज्ड। तो अवॉइड करने का मतलब होता है कि नीदर यू आर विलिंग टू कोऑपरेट नॉर यू आर असर्टिव इनफ। तो आप अवॉइड करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को, ना आप कोऑपरेट करना चाह रहे हैं और ना आपके अंदर असर्टिव एबिलिटी है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं, जहां तक मुमकिन हो सके आप कॉन्फ्लिक्ट से बचते हैं। यू विल ट्राई टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट एज फार एज पॉसिबल। ठीक है। इसे कहते हैं अवॉइडिंग। तो कॉन्फ्लिक्ट जब आप अवॉइड करेंगे तो दैट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन अ सिचुएशन कि कभी ना कभी तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सरफेस पे आएगा ही आएगा ना। देयर विल बी अ सिचुएशन वेयर यू कैन नॉट अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट एनी फर्दर। अच्छा, फिर है कंपीटिंग। कंपेटिटिव या कंपीटिंग में क्या होता है, यू असर्टिवनेस हाई कर देते हैं, कोऑपरेटिवनेस आपकी लो रहती है। दैट लीड टू अ विन लूज सिचुएशन। वन विन विल एंड द अदर विल लूज। कंपीटिंग नॉर्मली फर्म स्टांस को डिफाइन करती है। पीपल नो व्हाट दे वांट। टिपिकली पीपल आर इन पोजीशन पावर, लोग पोजीशन पावर में होते हैं। कंपीटिंग इज यूज्ड व्हेन यू आर इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वेयर डिसीजंस नीड टू बी टेकन क्विकली
डिसीजंस आर अनपॉपुलर। तीन सिचुएशंस में आप कम्पीट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके पास पोजीशन पावर होनी चाहिए। इफ यू डोंट हैव पोजीशन पावर यू कैन नॉट कम्पीट। फिर इमरजेंसी के अंदर ये एक यूजफुल स्टाइल होता है। अगर आप एक इमरजेंसी की सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो फिर वहां पे आप फॉरन डिसीजन लेते हैं और अनपॉपुलर डिसीजन भी आपको कम्पीटिंग के थ्रू ही लेते हैं। आप दूसरे की राय को साइड पे कर देते हैं और आप अनपॉपुलर डिसीजन जो होते हैं जिसको दूसरे पसंद नहीं करते, कम्पीटिंग का नुकसान वहां पे होगा जहाँ पे लेस अर्जेंट सिचुएशंस में आप डिसीजन मेकिंग करेंगे, बिकॉज नाउ पीपल विल गेट टाइम टू थिंक एंड दे विल फील मोर डिससेटिस्फाइड एंड रिजेंटफुल। रिजेंटफुल कहते हैं बेचैनी को। तो अगर आपने लेस अर्जेंट सिचुएशन में कम्पीटिंग का स्टाइल यूज किया तो दैट विल लीड द पीपल टू डिससेटिस्फेक्शन। तो लेस अर्जेंट सिचुएशन के अंदर कम्पीटिंग का स्टाइल इतना कोई इफेक्टिव स्टाइल नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट वी हैव एकोमोडेटिंग। एकोमोडेटिंग में आप क्या करते हैं, एकोमोडेट करते हैं, किसी की बात मान लेते हैं। एकोमोडेटिंग में यू फोकस ऑन सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द काउंटर पार्टी अहेड ऑफ योर ओन नीड। अपनी जरूरियात के आगे आप दूसरे की जरूरियात को सेटिस्फाई करते हैं। एकोमोडेटिंग का नुकसान ये है कि लोग फिर आपसे नाजायज डिमांड्स भी पूरी करवाने लग जाते हैं। पीपल विल टेक एडवांटेज ऑफ योर, समझ लें आपकी शराफत जो है उसका लोग फिर नाजायज फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। कम्पीटिंग के अंदर जो आपकी, क्योंकि जो शरीफ बंदा होता है उसको फिर अक्सर लोग क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। तो यू माइट बी एक्सप्लॉइटेड, आपको शायद एक्सप्लॉइट किया जाएगा। अगर आप अकोमोडेट करेंगे तो फिर अक्सर आपसे नाजायज फायदा उठाया जाएगा। उसको ये कहते हैं कि जो अकोमोडेटर होता है ही कैन बी परसुएडेड टू सरेंडर इवन वेन सरेंडर इज अनवॉरंटेड। इवन वेन सरेंडर इज यानी जरूरत नहीं भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उसे परसुएड करेंगे कि वो हथियार डाल दे, वो आपकी बात मान ले। तो जगर एकोमोडेटिंग जो है इट्स नॉट अ गुड टेक्निक टू यूज। एकोमोडेटिंग जो है अगर आप किसी को एक दफा एकोमोडेट करेंगे अगला फिर आपसे नाजायज फायदा उठाएगा। एकोमोडेटिंग जो है ये कब यूजफुल होती है, व्हेन इट इज यूजफुल, जब इशू दूसरी पार्टी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि द अदर पार्टी इज मोर नीडी फॉर एग्जाम्पल, या आपके नजदीक जीतने से ज्यादा पीस इंपॉर्टेंट है। यू वॉन्ट टू कीप पीस, यू डोंट वॉन्ट टू स्पॉयल रिलेशनशिप, आप पीसफुल रिलेशन चाहते हैं तो आप एकोमोडेट करेंगे। या फिर यू ओ समवन अ फेवर, आप किसी को कोई फेवर ओ करते हैं। ओ करने का मतलब होता है किसी ने कभी आपके लिए कोई काम किया था तो अब आप उसे एक फेवर ओ करते हैं। तो तीन केसेस में आपको एकोमोडेट करना पड़ सकता है, when issue is more important to other party or when peace is more valuable than winning or you owe someone some favor, to phir aap accommodate karte hain. However, ye approach bhi consistently favorable outcomes produce nahi karti. Accommodating jo hai ye kabhi na kabhi aapke aapko jo hai wo pareshani karti hai. It not normally generates good outcomes. Accommodating जो है that is only appropriate when the issues are more important to other party, when peace is more valuable than winning or when favor is owed. Next we have compromising. Compromising में क्या होता है, partial win-win होता है, partially satisfied. To find a win-win solution where each party is at least partially satisfied. Compromise की best example मिलती है एक bargaining situation में. For example, you are at a shop. एक बारगेनिंग सिचुएशन में अगर आप देखें, लेट्स टेक अ बारगेनिंग सिचुएशन, ओके, सो okay, let's take a bargaining situation. This is A and this is B. Let's say ये customer है और ये एक shopkeeper है. Shopkeeper is demanding 100 rupees for a product. Customer is offering 50 for the same product. ठीक, shopkeeper जो है वो 100 रुपया demand कर रहा है और customer जो है वो 100 demand कर रहा है और customer जो है वो 50 rupees offer कर रहा है. ये एक सिचुएशन है। अब
इस लाइन पे जहां भी डिसीजन होगा वो कॉम्प्रोमाइज होगा। आइडियली पार्शियल विन विन क्या है, पार्शियल विन विन ये है 75 रुपीज़, 25 रुपीज़ कस्टमर ने गिव अप कर दिए, 25 रुपीज़ जो है वो शॉपकीपर ने गिव अप कर दिए, तो 75 रुपीज़ के ऊपर आपका जो डिसीजन है वो लिया जाएगा। ठीक, दैट इज नोन एज पार्शियल विन विन, इसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज। इस लाइन पे कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज है, फॉर एग्जाम्पल अगर 60 रुपीज़ में डिसीजन हो गया है 60 रुपये में, तो ए की विनिंग रेशियो ज़्यादा है, बी की विनिंग रेशियो कम है तब भी कॉम्प्रोमाइज। या अगर 80 रुपीज़ में डिसीजन हुआ है, इफ द डिसीजन हैज बिन टेकन ऑन लेट से एट 80 रुपीज़, तो बी की विनिंग रेशियो ज़्यादा है, ए की विनिंग रेशियो कम है, लेकिन तब भी कॉम्प्रोमाइज ही कहलाएगा। इसके बाहर, इस कॉम्प्रोमाइजिंग लाइन के बाहर एक जोन होता है जिसे हम पी जोन कहते हैं, दिस एरिया। इस कॉम्प्रोमाइजिंग लाइन के बाहर जो एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं पी जोन, ये वाला जो एरिया। इस एरिया में अगर कहीं डिसीजन होगा, इसे पी जोन कहा जाता है। इस एरिया में अगर कहीं डिसीजन होगा तो ये कलेबरेशन कहलाएगी, दैट इज नोन एज कलेबरेशन। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है कि आपने इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग करनी है, बट व्हेन यू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, जब आप इस लाइन से बाहर सोचेंगे तो फिर ये कलेबरेशन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल शॉपकीपर कहता है, इसको ऑफर देता है, ओके फाइन 50 पे बेचने को तैयार हूँ मैं, आई विल सेल इट ऑन 50, बट देन यू हैव टू परचेज 20 यूनिट्स, तुम्हें इकट्ठे 20 यूनिट्स खरीदने पड़ेंगे। अब शॉपकीपर ने अपना गोल अचीव कर लिया, उसने अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ा ली, उसको इकट्ठा 1,000 रुपये का रेवेन्यू आ जाएगा। कस्टमर को वो चीज़ उसकी डिसाइडेड प्राइस पे मिल गई, दो थोड़ी इन्वेंट्री उसकी क्रिएट हो जाएगी, दैट इज व्हाट वी कॉल एज कलेबरेशन। इसके अंदर यूनिक डिसीजन मौजूद होता है, ऐसा डिसीजन जो दोनों पार्टीज को सुपीरियॉरिटी दे, ऐसा डिसीजन जो दोनों पार्टीज को सुपीरियर रखे, इसे हम कहते हैं कलेबरेशन। ठीक, विन विन। कॉम्प्रोमाइजिंग इज यूजफुल व्हेन कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। डील क्लोज ना करने की जो कॉस्ट है वो ज्यादा है तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट से मुराद क्या है, फॉर एग्जाम्पल ना ये 50 से बढ़ने को तैयार है, ना ये 100 से कम होने को तैयार है, तो एक कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फिर ये है कि ये निकल जाएगा शॉप से और प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। अब शॉपकीपर को भी पता है कि एक दफा कस्टमर आया है, दोबारा पता नहीं कस्टमर आता है कि नहीं आता इस प्रोडक्ट के लिए। कस्टमर को भी पता है कि अगर इस शॉप से मिस कर दिया प्रोडक्ट तो माइट बी पॉसिबल कि मुझे मार्केट से ये चीज़ कहीं और से ना मिले। ये है कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अगर ज़्यादा होगी तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज जल्दी करेंगे दोनों किसी भी तरफ से। अगर ये कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कम होगी तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक, या फिर डेडलाइन करीब आ रही है, डेडलाइन लूम्स, लूम्स का मतलब है करीब आना, या पार्टीज जो है वो डेड लॉक में आ चुकी हैं और डेड लॉक से निकलने के लिए उन्हें लाजमी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। द पार्टीज हैव नाउ कॉट अप इन अ डेड लॉक एंड दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज टू गो आउट ऑफ द डेड लॉक। एंड देन द लास्ट इज कलेबरेटिव। कलेबरेटिव स्टाइल विन विन को फोकस करता है, जहाँ पे दोनों पार्टीज एक दूसरे के नॉलेज पे, इंफॉर्मेशन पे रिलाई करती हैं, सो दैट दे कैन अचीव अ विन विन। कलेबरेशन इज नेसेसरी व्हेन देयर इज नीड टू ब्रिंग टुगेदर अ वैरायटी ऑफ व्यू पॉइंट्स टू अचीव द ऑप्टिमम सोल्यूशन। कलेबरेशन इंपॉर्टेंट होती है जब आपने ऑप्टिमम सोल्यूशन को अचीव करना होता है, तो फिर आप क्या करते हैं, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ये जो अभी हमने पी जोन की बात की है, ये मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज है ना, कि इस लाइन से बढ़ के भी कुछ हो सकता है ना, एक बार्गेनिंग सिचुएशन से बाहर भी कुछ हो सकता है। तो दीज आर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, और इन पॉइंट ऑफ व्यूज को इस्तेमाल करते हुए फिर आप क्या करते हैं, फिर आप कलेबरेट करते हैं। कलेबरेशन वहाँ पे सूट करती है जहाँ पे दोनों पार्टीज की कुछ हिस्ट्री मौजूद होती है, दे हैव सम हिस्ट्री, और व्हेन द सिचुएशन इज सिंपली टू इम्पॉर्टेंट टू ट्रेड ऑफ। सिंपल कॉम्प्रोमाइज कैन नॉट हेल्प, सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज से मसले का हल नहीं निकल सकता, तो फिर आप कलेबरेट करते हैं। इंस्टेड ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग देन यू गो फॉर कलेबरेशन। आइडियली स्पीकिंग कलेबरेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट एट द वर्क प्लेस। ठीक, तो दीज आर फाइव टेक्निक्स ऑफ, हाँ जी देखिए, कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि कॉस्ट ऑफ लूजिंग अ डील। अगर एक डील आपने लूज कर दी तो उसकी उसकी कॉस्ट कितनी बेयर करनी पड़ेगी आपको, दोनों एंड्स के ऊपर, दोनों, अगर दोनों में से किसी एक किया या दोनों की कॉस्ट ज़्यादा है तो फिर कॉम्प्रोमाइज जल्दी होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी, ये कस्टमर 50 पे अड़ा हुआ है, शॉपकीपर 100 पे अड़ा हुआ है,
कस्टमर को पता है कि मैं यहाँ से नहीं परचेज करूँगा तो मुझे 6 जगह से और ही मिल जाएगा प्रोडक्ट। शॉपकीपर को भी पता है कि 100 में इसको नहीं बेचूंगा तो आगे कोई और कस्टमर आ जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम है, तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। कस्टमर विल लीव द शॉप एंड विल गो टू अदर शॉप। कस्टमर को पता है कि इसी शॉप से मिलेगा, कहीं और से नहीं मिलेगा, और शॉपकीपर को भी ये अंदाज़ा है कि यही कस्टमर एक आया है, अगर ये चला गया तो शायद कोई और कस्टमर ना आए इस प्रोडक्ट का। नाउ कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज़ वेरी हाई। अगर ये कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हाई है तो जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ होगा, कस्टमर भी जल्दी प्राइस थोड़ी सी बढ़ाएगा, शॉपकीपर भी जल्दी थोड़ी सी प्राइस कम करेगा, और ये अल्टीमेटली ये यहाँ से आगे मूव करेगा, ये यहाँ से आगे मूव करेगा, किसी एक पॉइंट पे जाके कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। गेटिंग दिस पॉइंट? तो कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का फिनोमेना ये है दैट व्हेन देर इज़ नो अदर ऑप्शन देन व्हाट यू कैन से इसके, या फिर उस कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करने के लिए फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। Okay, so these were the five styles of dealing with conflict. इसके बाद है conflict resolution process. Five stages. ये भी आ चुका है पेपर में, 5 marks का क्वेश्चन आया था. What are the 5 stages of conflict resolution process? सबसे जो बुनियादी इसमें जो स्टेप है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का, वो है सीन, सेट द सीन. आप सीन सेट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट की डिबेट में कौन कौन होगा, उनकी उनके पॉइंट ऑफ व्यूज क्या हैं, उनकी परसेप्शंस क्या हैं, ग्राउंड रूल्स सेट करते हैं आप. ग्राउंड रूल्स में फॉर एग्जांपल हर पार्टिसिपेंट को कितना कितना टाइम मिलेगा बोलने का, कौन सा पार्टिसिपेंट लीड करेगा, ये तमाम चीज़ें आपके ग्राउंड रूल्स में आ जाती हैं. ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर द पार्ट ऑफ योर ग्राउंड रूल्स. तो पहला जो काम होता है दैट इज टू सेट द सीन, द फर्स्ट थिंग इज टू डिफाइन द सीन. फिर आप करते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग. कॉन्फ्लिक्ट में जाने से पहले यू शुड नो योर एनिमी. वो कहते हैं कि Before entering into the war, know your enemy. तो to know your enemy, you have to establish underlying interest and needs of the parties involved. इससे लोगों की motivation समझ आती है, लोगों के goals समझ आते हैं. ठीक है ना, इससे आपको ये भी clear हो जाता है कि लोगों का की नीयत क्या है किसी भी situation में conflict को resolve करने के लिए. तो information gather किए बगैर you cannot simply walk in. इंफॉर्मेशन गैदरिंग ऑल्सो अलाउ यू टू फोकस ऑन बिजनेस इशूज एंड ओनली ऑब्जेक्टिव्स. लीव पर्सनैलिटीज आउट ऑफ डिस्कशन, वेरी इंपॉर्टेंट. डिसएग्रीमेंट्स में पर्सनैलिटी की गुंजाइश नहीं है. यू हैव टू लीव पर्सनैलिटी आउट ऑफ डिबेट, आउट ऑफ डिस्कशन. तो पहला स्टेप सेट द सीन, दूसरा स्टेप है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, तीसरा स्टेप है एग्रींग टू द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम पे अब एग्रीमेंट लेके आए. देखें, हर इंडिविजुअल की परसेप्शन डिफरेंट है, तो उसका मसले को देखने का नज़रिया भी डिफरेंट है, उसका प्रॉब्लम को समझने का जो तरीका है वो डिफरेंट है. तो आपको बड़ा एक्सप्लिसिटली फिर एक्सप्लेन करना पड़ता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या जो हम जिसका मसला जिसका सोल्यूशन हम तलाश कर रहे हैं. ठीक है, तो यू हैव टू एग्री ऑन द प्रॉब्लम फर्स्ट बिफोर यू गो टू द सोल्यूशन. आपने पहले प्रॉब्लम पर तो एग्री करना है ना कि आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, जिसमें सारे ग्रुप मेंबर्स फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे. बट इफ एवरीबॉडी इज हैविंग अ डिफरेंट परसेप्शन ऑफ प्रॉब्लम देन इट माइट क्रिएट सम इशू. नेक्स्ट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉसिबल सॉल्यूशन. ब्रेनस्टॉर्मिंग मींस दैट यू शेयर आइडियाज, यू डिस्कस. ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होती है इसमें इफेक्टिव फैसिलिटेटर जो है वो एक कदम आगे रहता है आपसे. पार्टिसिपेटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस. पार्टिसिपेटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है कि आप लोगों की राय ले रहे हैं, लोग इनपुट दे रहे हैं और आप उनके इनपुट से आइडियाज जनरेट कर रहे हैं. पार्टिसिपेटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे बाय इन के चांसेस बढ़ जाते हैं. बाय इन का मतलब है कि लोग आपकी बात जल्दी मानेंगे. व्हेन पीपल बिलीव दैट दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू सम इशू, so they will definitely improve their buy-in. उनकी motivation बढ़ेगी, commitment जो उनकी जो commitment है वो बढ़ेगी, और that would help them to achieve a quick solution quite rapidly. And then we have the fifth point which is negotiate the solution. सबसे पहले आपने scene set किया, फिर आपने information gathering की, फिर आपने crew members को एग्री करवाया प्रॉब्लम्स के ऊपर,
फिर आपने ब्रेनस्टॉर्म करवाया पॉसिबल सॉल्यूशन को, और फिर आपने एक फाइनल सॉल्यूशन को निगोशिएट किया सो दैट एवरीथिंग बिकम्स क्लियर, ताकि क्लैरिटी आ जाए कि डिसीजन क्या लिया है हमने, उसमें पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं, म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन क्या हमने अचीव कर ली है अपने डिसीजन के थ्रू, इसे कहते हैं निगोशिएटिंग अ सोल्यूशन। दैट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 स्टेप मॉडल, और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का ये मॉडल जो है बड़ा प्रिसाइजली इस्तेमाल होता है। थॉमस एंड किलमैन का ये जो फ्रेमवर्क है, इट हैज अपेयर्ड एटलीस्ट वंस इन द पास्ट पेपर एग्जाम्स। ठीक है, इस मॉडल में से कोई क्वेश्चन, इन 5 स्टेप्स में से कोई सवाल? ओके ग्रेट वंडरफुल, यहाँ पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट खत्म हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट में हमने टोटल 5 क्वेश्चंस को आंसर किया है, एक क्विक रिकैप कर लें। कॉन्फ्लिक्ट का भी आंसर 5 क्वेश्चंस, पहला हमने कल पढ़ा था कॉन्फ्लिक्ट की सोर्सेज क्या होती हैं, इंटर इंडिविजुअल, इंट्रा इंडिविजुअल, इंटर ग्रुप एंड इंट्रा ग्रुप। फिर हमने पढ़े कॉन्फ्लिक्ट के बेनिफिट्स और उससे पैदा होने वाले प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किए फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स, फिर हमने डिस्कस किया थॉमस एंड किलमैन का मॉडल, एंड देन एट लास्ट वी टॉक्ड अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये इसमें टोटल 5 क्वेश्चन हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग इट अकॉर्डिंगली। कल हम इंशाल्लाह निगोसिएशन स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विद निगोसिएशन। निगोसिएशन के अंदर भी 5 सवाल हैं, व्हाट इज निगोसिएशन, देन द टाइप्स ऑफ निगोसिएशन। तो निगोसिएशन के अंदर भी, फिर उसमें रोल ऑफ थर्ड पार्टी निगोसिएशन, तो निगोसिएशन में भी 4-5 क्वेश्चंस बनते हैं, विल टॉक अबाउट इट। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू हैव इन योर माइंड प्लीज। टेस्ट मैं अभी अपलोड करवा देता हूँ, हो जाएगा। चैप्टर नंबर 9 का टेस्ट आपका फ्राइडे को है, आज पार्ट ई का टेस्ट आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक, 11 चैप्टर का टेस्ट आज अपलोड हो जाएगा, 9th का टेस्ट है आपका है इंशाल्लाह कमिंग फ्राइडे को। ठीक है, डोंट वरी, मैं अभी नुमान से कहता हूँ, ही विल डू दैट। और कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न? अच्छा, पार्ट ई का हो गया है, चैप्टर 8 का सेकंड हाफ। हाँ, चैप्टर 8 का सेकंड हाफ तो आज ड्यू था ना आपका। एग्जैक्टली, चैप्टर नंबर 8 का सेकंड हाफ आज ड्यू है, 9th का फ्राइडे को ड्यू है। ओके चलें, आई विल आस्क नुमान के 8th का भी सेकंड हाफ अपलोड कर देते, डोंट वरी। हाँ, फ्राइडे को 9th चैप्टर का होगा इंशाल्लाह, फ्राइडे को 9th का है। ठीक है, नहीं, फिर कल कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह, वी विल कंटिन्यू टुमारो फ्रॉम नेगोशिएशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।